नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में अति पिछड़ा आयोग का सर्वेक्षण जारी, जल्द पूरी होगी गंगा जल आपूर्ति योजना। दिसंबर से कराया जा सकता है नगर निकाय चुनाव। मोहन गुप्ता के खिलाफ 7 नवंबर को होगी सुनवाई। भारत को हराने पर पाकिस्तानी अभिनेत्री ने जिम्बाब्वे को दिया ये ऑफर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में अति पिछड़ा आयोग का सर्वेक्षण जारी। बता दें कि नीतीश कुमार के द्वारा 19 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आयोग गठन किया गया था और सभी को यह निर्देश दिया गया था कि आयोग को जल्द से जल्द अति पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करके रिपोर्ट दिया जाए। इसे लेकर ही मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर यह निर्देश दिया है कि सभी डीएम अति पिछड़ा आयोग के सदस्यों की मदद करें। अब तक इस आयोग ने 1 दर्जन जिलों का परिभ्रमण कर चुका है। वहीं अब यह उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट जारी कर सकती है और दिसंबर में चुनाव भी करवा सकता है। मोकामा और गोपालगंज में कम वोट प्रतिशत ने बढ़ाई पार्टियों की टेंशन। बीते दिन गुरुवार को बिहार विधानसभा के गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन इस बार के चुनाव में महागठबंधन की पार्टी ने 2015 की अपेक्षा में कम वोट हासिल किए हैं, जिस वजह से गठबंधन की पार्टियों के बीच टेंशन का माहौल बन गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार मोकामा में गोपालगंज की अपेक्षा अधिक वोटिंग हुई है। मोकामा में 53.45% वोट हुआ है तो वही गोपालगंज में 51.48% वोट हुआ। मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना 6 नवंबर को की जाएगी। इस चुनाव को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी को महागठबंधन की ताकत का पता चल जाएगा, दोनों जगहों पर हम लोग का ही जीत होगा। जल्द पूरी होगी गंगा जल आपूर्ति योजना। बीते दिन गुरुवार को गंगा जल आपूर्ति योजना को लेकर बिहार सरकार के जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने जरूरी निर्देश जारी किया है। उन्होंने गया जिले के अवगिल्ला तथा तेतर में जल संसाधन विभाग, वुडको और जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर इससे जुड़े शेष कार्यों को जल्दी पूरा कराने का निर्देश दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत 7 जुलाई, 8 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को राजगीर में निर्मित गंगा जी राजगृह जलाशय में, तेतर में निर्मित जलाशय में और अवगिल्ला में निर्मित टैंक जलाशय तथा आधुनिक जल शोधन संयंत्र तक गंगा जल पहुंचने का ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य गंगा नदी के अधिशेष जल को लिफ्ट कर जल की कमी वाले शहरों में सालों भर शुद्ध पेयजल के रूप में आपूर्ति कराना है। सीएम नहीं जाएंगे सोनपुर मेला। 2 दिन बाद यानी कि 6 नवंबर से विश्व विख्यात सोनपुर मेले की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में यह खबर आ रही थी कि करीब 17 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मेले का उद्घाटन करने जा सकते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री की जगह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मेले के उद्घाटन के लिए जाएंगे। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि नीतीश कुमार क्यों इस मेले में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से प्लान में परिवर्तन किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 2005 में पहली बार इस मेले का उद्घाटन किया था। वहीं पर्यटन विभाग के मुख्य सांस्कृतिक पंडाल में आयोजित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जिले के प्रभारी व विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री सुमित कुमार सिंह करेंगे। मोबाइल से खूब बात करती है बिहार की महिलाएं। बिहार भले ही टेली डेंसिटी के मामले में सबसे नीचे हो, पर यहाँ की महिलाएं फोन से बात करने में कई राज्यों से आगे है, जिनमें गोवा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्य भी शामिल है। बता दें कि बिहार की 51.4% महिलाएं मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। वहीं इस लिस्ट में सबसे पहला स्थान 91.2% के साथ गोवा का है। वहीं सबसे कम में मध्य प्रदेश है, जहां केवल 38.5% महिलाएं ही फोन इस्तेमाल करती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अगर हम बिहार के महिलाओं की इंटरनेट के इस्तेमाल को देखें तो इसमें केवल 20.6% महिलाएं ही ऐसी हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं और इस मामले में बिहार कई राज्यों से नीचे है। दिसंबर से कराया जा सकता है नगर निकाय चुनाव। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार सरकार के ऊर्जा व योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा कुछ संकेत दिए गए हैं। उन्होंने बीते दिन गुरुवार को बताया कि अब तक आयोग के द्वारा लगभग 1 दर्जन जिलों का भ्रमण किया जा चुका है और हो सकता है कि आयोग जल्द से जल्द रिपोर्ट सरकार को सौंप दे, और अगर यह रिपोर्ट जल्दी दे दी जाती है तो हो सकता है कि दिसंबर तक नगर निकाय चुनाव को करवाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट
के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करने के बाद इस चुनाव को कैंसिल किया गया था। भागलपुर में खुलेगी कई टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री। बिहार सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिसके तहत 4 सेट का निर्माण कराया गया है, जिसके आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा बियाडा परिसर में 50,000 वर्ग फीट में प्लग एंड प्ले के तहत सेट बनाने का भी प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है। यह सभी प्लग एंड प्ले में बनाए गए सेट को किराए पर उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके तहत उन्हें वे सारी सुविधा मिलेगी जो उन्हें जरूरत होगी। उद्यमियों को केवल उन मशीनों को ही लाना होगा जिससे सारे कार्य को पूरा किया जा सकेगा। बता दें कि प्लग एंड प्ले योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले में टेक्सटाइल और लेदर की नई इंडस्ट्री को खोले जाने की संभावना है। इससे वहां के लोगों की बेरोजगारी काफी हद तक दूर होगी। गया एयरपोर्ट पर 2 नए एप्रोन तैयार। गया एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय विमानों के शुरुआत होने के बाद 2 नए एप्रोन को चालू किया गया है। इस एप्रोन के निर्माण का मुख्य कारण है कि जब से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की शुरुआत की गई थी, तब से 3 एप्रोन पर विमानों के मौजूद रहने वक्त चौथे विमान को लैंड करना मुश्किल होता था, लेकिन अब इस नए 2 एप्रोन के निर्माण के बाद एयरपोर्ट पर पूरे 5 एप्रोन बन चुके हैं और अब विमानों को लैंड करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा शुक्रवार यानी कि आज से गया एयरपोर्ट पर 2 अन्य अंतर्राष्ट्रीय विमानों की शुरुआत की गई है, जो म्यांमार नेशनल एयरवेज के विमान म्यांमार के योगून से गया एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। मॉनसून के जाते ही सूखने लगी दक्षिण बिहार की नदियां। बिहार में एक तरफ जहां उत्तर बिहार की नदियों में काफी पानी है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार की नदियां मॉनसून के खत्म होते ही पूरी तरह सूख गई है। बता दें कि बांका, भागलपुर, गया व नालंदा में नदियां सूख गई है। मॉनसून अवधि बीतने के बाद 6 नदियां पूरी तरह सूख चुकी हैं, जबकि 5 में तो पानी मापने के योग्य भी नहीं है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बांका में चिरगेरुआ, भागलपुर में खलखलिया, गया में जमुने व मोरहर, नालंदा में मोहाने व नोनोई में पानी नहीं है। ये नदियां पूरी तरह से सूख चुकी है, जबकि दरभंगा के जीवछ, गोपालगंज में झड़ी, कटिहार में कारी कोशी, मधुबनी में थोमाने व सीतामढ़ी में मोरहा में पानी तेजी से नीचे चला गया है। इन्हें मापा भी नहीं जा सकता है, यहाँ पानी में कोई बहाव भी नहीं है। ये नदियां भी तेजी से सूख रही है। अस्पताल में आम आदमी की तरह पहुंचे डीएम। बीती रात जिलाधिकारी यशपाल मीना अचानक रात में मास्क लगाकर हाजीपुर जिले के सदर अस्पताल पहुंच गए और बिना किसी की नजर में आए करीब आधे घंटे तक अस्पताल का और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ एसडीओ अरुण कुमार भी मौजूद रहे, लेकिन जब इस बात की भनक सभी लोगों को लगी तो डीएम यशपाल मीना अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, तो अस्पताल में हड़कंप मच गया और सभी सतर्क हो गए। गौरतलब हो कि बुधवार की करीब 11 बजे डीएम यशपाल मीना खुद गाड़ी ड्राइव कर सदर अस्पताल पहुंचे थे। उनके साथ सदर एसडीओ अरुण कुमार एवं सादे लिबास में बॉडीगार्ड मौजूद थे। डीएमओ पर मास्क पहने हुए थे, सुरक्षा कर्मी भी सादे लिबास में थे। मोहन गुप्ता के खिलाफ 7 नवंबर को होगी सुनवाई। आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता के खिलाफ रीट याचिका पर अब 7 नवंबर 2022 को दोपहर 2:15 बजे सुनवाई होगी। बता दें कि यह रीट स्थानीय मतदाता दीपू कुमार के द्वारा की गई थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस मोहित कुमार शाह करेंगे। याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट से मांग की थी कि गोपालगंज के आरजेडी उम्मीदवार ने जानकारी छिपा कर नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही उक्त आरजेडी के उम्मीदवार द्वारा भरे गए फॉर्म C4 में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में भी गलत सूचना दी गई है, इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। गौरतलब है कि विधानसभा उपचुनाव के दोनों सीटों पर कल यानी कि बीते दिन नामांकन समाप्त हो गया है और अब 6 नवंबर को मतगणना कर परिणाम सामने आ जाएगा। इंडिगो विमान का पायलट बन आज आएंगे सांसद रूडी। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राजीव प्रताप रूडी आज इंडिगो का विमान लेकर दिल्ली से गया के लिए उड़ान भरेंगे। बता दें कि राजीव प्रताप रूडी बतौर कप्तान के रूप में विमान उड़ाएंगे। इस विमान में कई उनके साथ कई पर्यटक, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी भी यात्रा करेंगे। इस दौरान वे इन लोगों के साथ बोधगया के पर्यटन को बढ़ाने पर विचार मंथन करेंगे। बताते चले कि गया से रूडी सड़क मार्ग से औरंगाबाद जाएंगे और गैर राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। इससे पहले भी रूडी कई बार विमान उड़ा चुके हैं। प्रशांत किशोर ने राजद पर साधा निशाना। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जनसुराज पदयात्रा के 33वें दिन योगपट्टी प्रखंड के पिपरहिया में लोगों को संबोधित करते हुए राजद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे बिहार में केवल सिर्फ जवान लड़कों को मजदूर बनाया जाता है। देश में जिसे भी मजदूर की जरूरत होती है वे बिहार से मजदूर को मंगवा लेते हैं। यहाँ के लोग अपने बच्चों को बंधुआ मजदूर बना लिया है। आप सभी अपने भविष्य की चिंता किए बगैर एक ही पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं। राजद के दो
पैड है एम और वाई। अगर दूसरा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो लोग कहेंगे कि भैया एम को बनाओ, उनको भी पता है आप जाइएगा कहां, भाजपा से लड़ाई है, रोक कर भी आप उन्हें ही वोट देना ही पड़ेगा। 10 साल से मैं भाजपा से लड़ रहा हूं और ये लोग मुझे भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। भारत को हराने पर पाकिस्तानी अभिनेत्री ने जिम्बाब्वे को दिया ये ऑफर। भारतीय टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से बस एक कदम दूर है। ऐसे में पाकिस्तानी अभिनेत्री सहर सनवारी ने जिम्बाब्वे को ऑफर दे दिया है। बता दें कि सहर सनवारी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं एक जिम्बाब्वे के लड़के से शादी करूंगी अगर उनकी टीम चमत्कारिक ढंग से भारत को अगले मैच में हरा देती है। जिसके बाद भारतीय टीम के सभी फैंस उनके इस ट्वीट पर अपने अपने ढंग से जवाब दे रहे हैं। इन्हीं में से एक यूजर ने लिखा है कि ये सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने का हथकंडा है, तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि पाकिस्तानी लोगों के वश का कुछ नहीं है, तुम सभी झूठे और नकली हो। बता दे कि भारत को अपना आखिरी ग्राउंड मैच जिम्बाब्वे के साथ खेलना है और अगर इस मैच में भारत को जीत मिलती है तो भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। राजधानी पटना में शुक्रवार को पेट्रोल के रेट में 35 पैसे और डीजल में 32 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल डीजल 21 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। पूर्णिया में तेल के दाम में 1 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इसके अलावा अररिया, अरवल, बेगूसराय, मोतिहारी, जहानाबाद, भभुआ, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, बिहार शरीफ, सासाराम, छपरा, सीतामढ़ी और बेतिया में भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि भागलपुर में पेट्रोल के भाव में 66 पैसे और डीजल में 61 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखने को मिली है। गया में भी पेट्रोल 67 पैसे और डीजल 62 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हो गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, कुश कुमार यादव, वीना कुशवाहा, भान प्रकाश मौर्य, सरिता पासवान, शंकर मुखिया, संदीप कुमार, मुतुर रंगीला, कविता कुमारी, बाबूलाल मरांडी, के सिन्हा, सिफोन कुमार, मृत्युंजय कुमार, रंजीत मिश्रा, भीम कुमार गुप्ता। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में प्लग एंड प्ले की सुविधा उपलब्ध कराने से लोगों को क्या लाभ मिल सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।